के साथ में अमित गर्ग शुक्ला और आप देख रहे हैं हमारा खास शो। चुनावी शोर थम चुका है लेकिन सियासी पारा अब भी हाई है। कोई जीत कर भी खामोश है तो कोई हार ताव में है, यानी सियासत गर्म हो गई है। बयान क्या है समझाते हैं आपको। वाराणसी सीट को लेकर राहुल हारते हारते बचे हैं। राहुल के इसी बयान पर बीजेपी ने उन्हें घेर लिया है। सवाल पूछा जा रहा है कि क्या ये राहुल गांधी का कॉन्फिडेंस बोल रहा है या फिर ओवर कॉन्फिडेंस बोल रहा है। बीजेपी पूछ रही है कि इतना भरोसा था तो फिर राहुल गांधी वायनाड क्यों गए थे। और चलिए सियासी संग्राम की पूरी कहानी भी समझ लेते हैं और आपको समझा देते हैं एक रिपोर्ट के जरिए। नतीजे अगर पक्ष में आने लगे तो नेताओं के कॉन्फिडेंस का मीटर भी हाई होने लगता है। यही वजह है कि रायबरेली में राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी को लेकर जो बयान दिया उस पर बीजेपी नेता आत्मालवी करारा दिया है। भाड्रा से नफरत करते और बहन से कह रहा हूं, अगर ये लड़ जाती वाराणसी में, अगर ये लड़ गई होती तो आज हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री 2-3 लाख वोटों से वाराणसी का चुनाव हार जाते। राहुल गांधी के इस बयान को हवा दी दिल्ली से अपनी लोकसभा सीट हारने वाले उदित राज ने। 2 कदम आगे बढ़ते हुए उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस पूरी ताकत लगाती तो वाराणसी से अजय राय ही पीएम मोदी को हरा देते। वोट से वो जीत जाती, ये सम्मान के चला जा रहा कि, और चला भी जाता है कि जिस तरह से हाइप पर बनारस का चुनाव या ऐसे जगहों का चुनाव होता है कि अरे भाई हम विपक्षी भूमिका निभाने आए हैं लेकिन यहाँ तो जीतने की भूमिका में आ गए थे। अगर हम लोग पूरी ताकत लगा दिए होते तो हो सकता है अजय राजे ही हरा देते। तो जो जिसके चेहरे पर पूरा NDA चुनाव लड़ा उस चेहरे की आज ये हैसियत हो गई है। कांग्रेस के इसी आत्मविश्वास पर अमित मालवीय के सियासी तर्कश से एक के बाद एक कई तीर निकलने लगे। एक्स हैंडल पर उन्होंने लिखा, सच ये है कि गलती से कुछ सीट क्या मिल गई, राहुल गांधी इसे संभाल नहीं पा रहे हैं। जिस तरह उन्होंने हारने के डर से अमेठी से चुनाव लड़ने से इनकार किया उसी तरह उन्हें अभी भी नेता प्रतिपक्ष के रूप में पदभार संभालने का भरोसा नहीं है। चुनाव बीत चुके हैं, मोदी तीसरी बार शपथ ले चुके हैं, अब विपक्ष के पास यही मौके हैं। तो राहुल गांधी के बयान के बाद बीजेपी ने सवाल पूछा है और यह भी कहा है कि इतना है आत्मविश्वास था तो काशी से क्यों नहीं लड़ गए थे राहुल गांधी। तो चलिए सियासी शोर से इतर जमीनी हकीकत को भी समझते हैं और देखते हैं कि किसमें कितना दम है। सबसे पहले 2014 की बात करते हैं, जब नरेंद्र मोदी पहली बार वाराणसी सीट से चुनाव लड़े तब भी कांग्रेस उनके सामने थी और यही अजय राय उस वक्त कैंडिडेट थे लेकिन उन्हें महज 7% वोट मिले थे, यानी कांग्रेस 5 लाख से ज्यादा वोटों के अंतर से हार गई थी। फिर 2019 आया, फिर मोदी के मुकाबले कांग्रेस ने अजय राय को ही चुनावी मैदान में उतारा लेकिन इस बार भी वही हुआ। वोट प्रतिशत तो बढ़ा लेकिन कांग्रेस इस बार 5.25 लाख के करीब वोटों से हार गई थी। अब वही कांग्रेस और उनके नेता राहुल गांधी कह रहे हैं कि पीएम मोदी चुनाव हार गए होते अगर प्रियंका गांधी चुनाव लड़ती। हो सकता है कि राहुल गांधी का इस बयान के पीछे कॉन्फिडेंस हो लेकिन मोदी के खिलाफ वाराणसी में लड़ने वालों का हाल देख लीजिए, जमीनी हकीकत का अंदाजा आसानी से लग जाएगा। अब जरा पीएम मोदी के काशी फैक्टर को भी समझ लेते हैं, उसके असर को समझ लेते हैं। 2014 के चुनाव में नरेंद्र मोदी के खिलाफ कुल 42 प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरे थे जिनमें से 40 कैंडिडेट अपनी जमानत तक नहीं बचा पाए थे। 2019 में भी यही कहानी दोहराई गई, कुल 26 कैंडिडेट ने नरेंद्र मोदी को चुनौती दी लेकिन 24 कैंडिडेट अपनी जमानत जब्त करा बैठे। 2024 में भी कुछ यही हाल रहा, मोदी के खिलाफ कुल 7 प्रत्याशी इस बार मैदान में थे जिसमें से 6 प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई। यह है नरेंद्र मोदी का वाराणसी में जलवा। सही बात है कि 2024 में कांग्रेस का प्रदर्शन सुधरा है लेकिन यह कहना कि प्रियंका गांधी चुनाव लड़ती तो पीएम मोदी हार जाते, ये बात आंकड़ों से कहीं मेल नहीं खाती है। आगे बढ़ते हैं और बात अगली खबर की करते हैं। अयोध्या से जुड़ी यह खबर है।